जय हिंद दोस्तों, दोस्तों मैं आशुतोष। दोस्तों मैं 3 से 4 दिन बाद एक अब स्टडी वाला वीडियो लेकर आया हूँ, जो रेलवे एनटीपीसी जूनियर इंजीनियर जो CBT 1 है और ग्रुप डी, इन तीनों में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये सभी अभी 2018 में आए हुए सब क्वेश्चन है, ALP, ग्रुप डी और 2016 का जो NTPC हुआ है। ठीक है, ये तीनों मर्ज करके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ। आप इन क्वेश्चनों को जरूर करें क्योंकि ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले क्वेश्चन, और एक आपको आइडिया भी लगेगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आगे भी, क्योंकि TCS बना रहा है पेपर तो वो वैसा ही पैटर्न देगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, GK जनरल नॉलेज का कोई लेवल नहीं होता, वही ग्रुप डी में आता है। बस हो क्या सकता है कि NTPC में आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा दे दे, लेकिन GK अगर क्वेश्चन टॉपिक से आ रहा है, अगर CM से क्वेश्चन आ रहा है तो वही ग्रुप डी में क्वेश्चन होगा, वही जूनियर इंजीनियर में होगा, वही आगे आप कि NTPC में होगा, तो इसका कोई लेवल नहीं है। लेवल ऑफ क्वेश्चन हो सकता है टफ दे देगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये आपके जूनियर इंजीनियर में भी इंपॉर्टेंट है, NTPC में भी इंपॉर्टेंट है और ग्रुप डी में भी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज मैं पहला वीडियो काफी दिन बाद मैं स्टडी का वीडियो लाया हूं, मैं आपका सपोर्ट बहुत चाहता हूं। फ्रेंड्स ये वीडियो बनाने में, मैं फर्स्ट टाइम आपको कुछ ऐसी बात बता रहा हूँ जो हर कोई नहीं बताता है, ये वीडियो बनाने में मुझे इतना पैसा मिलता है कि आप एक पेट्रोल खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स एक पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल आप खरीद सकते हैं एक वीडियो बनाने में, और इस वीडियो में मेरे को कम से कम आधा से 45 मिनट लग रहा है। मतलब आप सोच रहे हैं 45 मिनट सिर्फ मैं आपके लिए, आप लोगों के लिए दे रहा हूँ जो मेरे से टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं, और 3 से 4 दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उनके काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर वीडियोज़ बनाएं जिससे हमारी तैयारी चालू हो। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स मैं वीडियो नहीं भी ये बनाऊंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेरे पुराने आज के वीडियो, कई 3-4 दिन के मेरे वीडियो देख सकते हैं, विदाउट स्टडी वाला इंफॉर्मेटिव वाला मेरा 20,000 लोग भी देख रहा है, चैनल को 40,000 भी देख रहा है, आप मेरे पुराने देख सकते हैं। इवन मेरे कोई कोई वीडियो लाख लाख लोगों ने देखा है और उससे आपको, मेरे को अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है। ठीक है, मुझे, मैं सिर्फ टेलीग्राम से जो जुड़े हुए हैं, जो मेरे को सब्सक्राइब किए हैं ग्रुप डी NTPC, ठीक है, बाहर से विदाउट टेलीग्राम से, ठीक है, मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि उनके बहुत मैसेज आ रहे थे। मैं रेगुलर वीडियो बनाऊंगा और आपका अच्छा रिस्पांस मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, लाइक इसलिए मेरे को बनता है, और साथ में कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, इतना जरूर करिएगा, फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा मैं टाइम लगा रहा हूँ बोलने में, और मैं फ्रेंड्स बहुत अच्छे से और हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए बनाया हूँ, तो जो हिंदी मीडियम से है जो इंग्लिश मीडियम से है, कंटेंट ऐसा हो सकता है जहाँ हिंदी होगा वहाँ मैं इंग्लिश से बताऊँगा, जहाँ इंग्लिश होगा वहाँ हिंदी से बताऊँगा। ठीक है, तो इस बात पर आप बिल्कुल टेंशन मत रहिए। और फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, अगर आपने 30 क्वेश्चन डेली में बता रहा हूँ तो आपको कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी मैं आपको बताता जाऊँगा, तो आपके अगर 30 से 40 क्वेश्चन मैं यहाँ कवर करा रहा हूँ तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके 30 से 35 मिनट में कवर होंगे। और फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं आप जब कोई वीडियो पढ़ते हैं या आप, तो आपके दिमाग में ज़्यादा बैठता है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा और आगे भी मैं टॉपिक लाऊँगा, तो फ्रेंड्स आप लाइक जरूर करिएगा। अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन आया हुआ है 2018 का। फ्रेंड्स देखिए सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है ग्रुप डी ALP में आया है, कहाँ किस में आया है वो मैं नहीं बताने में टाइम खराब करूँगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हु इज़ द ओनर ऑफ KKR टीम। आपको पता है इस समय 2019 में IPL चल रहा है, तो IPL से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, तो मैं उसका भी, IPL का भी एक वीडियो बनाकर लाऊंगा जब IPL खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसे IPL में आपको पता है शाहरुख खान और जूही चावला जो है वो KKR टीम के ओनर है, ये बात आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक बहुत क्वेश्चन पूछा था ग्रुप डी में मैंने देखा था, हु इज द ओनर ऑफ मुंबई इंडियन। ठीक है, मुंबई इंडियन में कौन ओनर है, हैदराबाद में, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इस टॉपिक को भी मैं लेकर आऊंगा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हु इज द करेंट CM ऑफ तमिलनाडु। तो ये क्या है, EK पलानी स्वामी। ठीक है, EK पलानी स्वामी जो है CM से क्वेश्चन बहुत पूछता है, गवर्नर से क्वेश्चन बहुत पूछता है, तो इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो मैं साथ में टॉपिक भी बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आप तैयार रख लो। ठीक है, जैसे मैंने CM बताया तो आप सारे टॉपिक तैयार रखो CM के। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु इज द चीफ MD मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद का हेड कौन है। फ्रेंड्स ये उषा आनंद सुब्रमण्यम जो थी वो 2018 में थी, लेकिन अब ये चेंज हो गई है। ठीक है, ये तब के क्वेश्चन पूछा हुआ है, अब 2019 में कौन है
मलिका मलिका अर्जुन राव है, ठीक है, मलिका अर्जुन राव है, ठीक है, मलिका अर्जुन राव है, ये ध्यान रखना, मलिका अर्जुन राव है, ये दो तीन बार नाम याद करो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड है, हु इज द चेयरमैन ऑफ इंडियन ओलंपिक, इंडियन ओलंपिक का चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो हेड कौन है, तो ये है नरेंद्र बत्रा, कौन है, नरेंद्र नरेंद्र बत्रा, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नाम नाम बहुत पूछता है, चेयरमैन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, चेयरमैन ऑफ इंडियन, ठीक है, तो इस टाइप के आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट पहले बलराम दास टंडन था, अब कौन है, आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, आनंदी बेन पटेल, ये क्या है, एमपी की भी गवर्नर है, ध्यान रखिएगा बात, ये गुजरात से पहले पूर्व सीएम रह चुकी हैं। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन फाउंडेड, रामकृष्ण कौन फाउंड किया था, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, इस ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बहुत बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछता है, हु गॉट फर्स्ट रत्न ऑफ इन भारत, रत्न ऑफ इंडिया, हु गॉट फर्स्ट इंडियन नोबल प्राइज, हु गॉट फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इस टाइप के क्वेश्चन अवार्ड्स के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ये कौन थे जो पहले तीन हस्तियों में पाए गए थे भारत रत्न, वो कौन है, राजगोपालचारी, राजगोपालचारी, सीवी रमन और सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये तीन लोग पहले ऐसे थे जो फर्स्ट नोबल प्राइज पाए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो ये महानदी रिवर जो उड़ीसा में है वहाँ हीराकुड डैम है, जो भारत का सबसे बड़ा डैम है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन है, हु इज द एडवाइजर ऑफ पीएम ऑफ इंडिया, फ्रेंड्स ये एडवाइजर पीएम ऑफ इंडिया का क्वेश्चन नहीं पूछा था, ये एक्चुअली क्वेश्चन जो पूछा हुआ था वो एनएसए पूछा था, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो आपको पता है ये कौन है, अजीत अजीत डोभाल, ठीक है, तो ये नाम आपने सुना होगा, काफ़ी नाम सुना होगा कि ये नेशनल सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जो हुए उसमें इसका काफ़ी रोल था, तो इसका नाम काफ़ी आपने सुना होगा, तो ऐसे आप याद रखना, ठीक है, अजीत डोभाल, तीन से चार बार आप बोलिए आपको याद हो जाएगा। फ्रेंड्स बुक से क्वेश्चन बहुत पूछता है, फिर पीएम ने अगर लिखा है तो पीएम के क्वेश्चन बहुत पूछता है, ये ध्यान रखने, क्योंकि रेलवे है और बीजेपी की सरकार है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने अपने नेताओं को ज़्यादा फोकस करती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, नहीं दूसरे स्टेट के भी पूछे जाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये है जैसे कि बहुत पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको योगी आदित्यनाथ सुना होगा सीएम ऑफ, तो ऐसे से रेलवे ग्रुप डी में पूछा है कि योगी आदित्यनाथ का रियल नाम क्या है, तो उसका नाम अजय सिंह है, ठीक है, अजय सिंह है, और पूछे थे कि किस मठ के रह चुके हैं गुरु, तो ये गोरखनाथ मठ के रह चुके हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन योगीनाथ ने पूछा है, ठीक है, तो इस ये सब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है तो ये नरेंद्र मोदी ने लिखा था एग्जाम वॉरियर बुक जो थी, बच्चों को एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, डिप्रेशन कैसे होता है, इसलिए 10th 12th के हिसाब से उन्होंने ये बुक लिखी थी, ठीक है। एक चीज़ है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स, तो मोमेंटम क्या होता है, पी इज्क्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, इंडियन फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट में इंडियन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज, ये क्या होता है, ये फिक्स्ड होती है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, आपको पता है फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स बाई मास, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला और न्यूमेरिकल बहुत पूछते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, वर्क का, एनर्जी का, ये सबका क्या होता है, एसआई यूनिट जूल होता है, ये बात आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, आपको पता है एसआई यूनिट बहुत पूछता है, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है, ओम, ठीक है, और एक एक दो क्वेश्चन और बताता हूँ, करंट, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपसे पूछा, फॉर्मूला बहुत पूछता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो होता है NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, और एक आपने सुना होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है Na2CO3, ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूँ, उनको लिखते जाओ आप। दूसरा आपको मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूँ, सॉल्ट, टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, टेबल सॉल्ट क्या होता है, NaCl होता है, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, KOH होता है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान देना है, मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ। एक फ्रेंड्स न्यूमेरिकल वर्क डन में पूछा था, ठीक है, तो आप ध्यान रखना।
वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसमें एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ था एक एग्जाम में, ठीक है। तो वर्क डन पूछा हुआ था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दे रखा हुआ था, तो न्यूमेरिकल ऐसा पूछता है, फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स है डीडीटी को फाउंड कौन किया था, डीडीटी को डिस्कवर कौन किया था, खोज कौन किया था, तो वो है पॉल हार्मन मुलर, और ठीक है पॉल हार्मन मुलर। और एक क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन, तो इसको आप दिमाग में रख याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टू मोर क्वेश्चन वाला आपका केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब एक है क्या कि फ्यूज वायर इज मेड, जो फ्यूज वायर होता है वो किससे बना होता है, कॉपर से बना होता है, निकल से बना होता है, टिन और लेड इतने मिक्स होते हैं उससे फ्यूज वायर बना हुआ होता है। एक एक मैं पूछता हूँ, ब्रॉस आपने सुना होगा, ब्रॉस ठीक है, ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज सुना होगा, ठीक है, तो ब्रॉन्ज का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, तो ये सब आपको आना चाहिए। स्टेनलेस स्टील का फुल फॉर्मूला, कौन कौन से एलिमेंट एलॉय यूज होते हैं, तो ये चीज़ आना चाहिए। हाउ मेनी सेटेलाइट्स इन जुपिटर, जुपिटर में सेटेलाइट कितने होते हैं फ्रेंड्स, ये 79 होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी कुछ 2018 2019 में कुछ सेटेलाइट और बढ़ गए हैं, तो उनकी संख्या कितनी हो गई, 79, जो सबसे ज़्यादा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सोलर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। कैपिटल ऑफ मलेशिया, कैपिटल से क्वेश्चन बहुत पूछता है, कुलमपुर, ठीक है, कैपिटल ऑफ मलेशिया क्या है, बांग्लादेश का क्या होता है, कुछ और एक्स्ट्रा कर लो आप, बांग्लादेश का ढाका होता है, ठीक है, अपने पड़ोसी देश के बहुत पूछते हैं क्वेश्चन, ठीक है। और श्रीलंका का क्या हो, कोलंबिया होता है, श्रीलंका का क्या होता है, कोलंबिया होता है, ठीक है। और चाइना का क्या है, बीजिंग है, चाइना का क्या है, बीजिंग है, ठीक है। यूएसए का वाशिंगटन डीसी है, जापान का सबको आपको पता होगा, जापान का टोक्यो है, ठीक है, और फ्रांस का पेरिस है, ठीक है, तो आपको ये आना चाहिए। तो ये फुल ये जो है, तो नेपाल का क्या है, नेपाल का, ठीक है, तो इस टाइप के आपको नेपाल का काठमांडू है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब फ्रेंड्स ये रैंक का बहुत क्वेश्चन पूछा था, ये एक्चुअली 2018 में पूछा है, अब जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो 2019 के आएंगे, ठीक है, तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हिंट बता रहा हूँ कि रैंक जो आ रहे हैं क्वेश्चन उनको ज़रूर आप कर लेना। फ्रेंड्स कोई भी स्पोर्ट्स होता है तो उसका एक पूछता है कि फ्लैग बीरर बियरर जब जब कोई गेम स्टार्ट होता है तो इनॉग्रेट होता है तो उस दिन कौन झंडा करता है, और जिस दिन एंडिंग होता है तो कौन झंडा लेकर जाता है भारत का तिरंगा, तो इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट गेम होते हैं, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन थी, पी वी सिंधु, ठीक है, फ्लैग बियरर थी और मैरी कॉम थी, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब एक है कि हु इज़ द सीएम ऑफ नागालैंड, तो ये क्या है, नेफियो रियो, नेफियो नेफियो रियो, ये क्या है, नागालैंड के सीएम है, ठीक है। अब एक है अंतरिक्ष में छोड़ा गया विश्व का प्रथम उपग्रह, ठीक है, तो जो हमारा अंतरिक्ष में छोड़ा गया फर्स्ट फर्स्ट सैटेलाइट कौन स्पेस में छोड़ा गया था, फर्स्ट सैटेलाइट, तो ये वर्ल्ड वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट सैटेलाइट कौन था, स्पटनिक फर्स्ट, तो आपको ये आना चाहिए, फर्स्ट वाला बहुत पूछता है, स्पटनिक फर्स्ट, ठीक है। एक फ्रेंड्स एक एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि योजना के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, तो जैसे गुमशुदा बच्चे, जो जो बच्चे लॉस्ट हो जाते हैं उनको एक पोर्टल लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने उस टाइम, तो ये था ऑपरेशन स्माइल। और एक फ्रेंड्स है स्वच्छ रेलवे मिशन के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना की, तो ये है क्लीन माई कोच, स्वच्छ मिशन के लिए क्लीन माई कोच, तो रेलवे से रिलेटेड भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक होता है माइक्रोस्कोप की खोज, माइक्रोस्कोप की खोज कौन किया था, जे जॉनसन, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स कल मैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो ऐसा ही लाऊंगा, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद जय भारत।